वेलकम बैक गाइस, मैं राजकुमार, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल कोडिंग में। तो गाइस, आज के दिन पे हम कुछ धमाकेदार सीखने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, आपको ये काम का भी बनने वाला है आपके लिए, ठीक है। अगर आप इस वीडियो पे नए हो, इस चैनल पे नए हो और आपको जावास्क्रिप्ट सीखना है, तो आपको पता ही नहीं जावास्क्रिप्ट को कैसे रन किया जाता है। मैं यहाँ पे तो अभी मैंने तो कई सारे वीडियो लॉन्च कर दिए है, तो आपको अगर जावास्क्रिप्ट पहले से सीखने हैं तो आप क्या करते हैं, क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, आप मेरे चैनल पे जाइए। यहाँ पे मेरे जावास्क्रिप्ट की जो प्लेलिस्ट है वो शुरू हो ही चुकी है और कई सारे वीडियो यहाँ पे मैंने अपलोड भी कर चुके हैं और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वीडियोज मैंने यहाँ पे अपलोड किए जो आपके बेहतरीन काम के बनने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं आपको जावास्क्रिप्ट में मास्टर बना दूंगा। तो गाइस, चलते हैं हमारे वीएस कोड पे। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, आज के दिन पे हम धमाकेदार एक चीज सीखने वाले जिसका नाम है प्रॉम्प्ट बॉक्स और कन्फर्म बॉक्स, ठीक है। ये दो टॉपिक है, प्रॉम्प्ट बॉक्स और कन्फर्म बॉक्स। आपने देखा होगा कभी को कहीं पे कि आप कोई चीज़ पे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर किसी को अगर आप ये वहाँ पे बाय करना चाहते हैं विदाउट लॉगिन, तो आपको क्या आएगा, पहले तो पॉपअप मिल जाएगा आपको, क्या बोलेगा वो, तो भाई आप पहले लॉगिन कीजिए फिर आप हमारे अकाउंट में एक्सेस कर आपका अकाउंट एक्सेस करके आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक बैकएंड के साथ लॉजिक क्रिएट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो कोई लॉजिक नहीं क्रिएट करना, हमें सिंपली यहाँ पे एक HTML के साथ जावास्क्रिप्ट के साथ यहाँ पे हमें क्या करना है, एक पॉपअप को बताना है जिसके अंदर मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ कि वो काम हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली अगर हमें प्रॉम्प्ट, पहले तो हम प्रॉम्प्ट बॉक्स देखने वाले हैं, तो प्रॉम्प्ट बॉक्स को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा, मतलब वेरिएबल को एक चूज करना पड़ेगा, तो हमें पहले तो वेरिएबल को ही लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वेयर कर देता हूँ, उसके बाद मैं वेरिएबल का नाम क्या डालूंगा, मैं नेम डाल देता हूँ वेरिएबल का नाम, चलिए हो गया नेम। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्रॉम्प्ट लिखना है, प्रॉम्प्ट, ओके। मैं इस प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर मैं क्या डालना चाहता हूँ, मैं डालूंगा चलो एंटर योर नेम, अच्छा तो व्हाट इज योर नेम, चलो मैं किसी को इनपुट ही लेना, तो मैं लिखूंगा व्हाट इज योर नेम और मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये देखूंगा कि अगर ये जो मेरा नेम है वो नल नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोई यूजर से अगर वो इनपुट डालता है तो क्या होगा, नल नहीं होगा, ठीक है, डालता है तो नल नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है। तो ना नल नहीं होगा तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक फिर से अलर्ट फंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ, मैं अलर्ट नाम का एक पॉपअप डालने वाला। आपको अगर पता नहीं अलर्ट कैसे काम करता है तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं कि मैं वहाँ पर मैंने एक वीडियो बना रखी है। तो इसके अंदर मैं डालना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ योर नेम, नेम के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मैं किसी का इनपुट लेता हूँ फिर हम ग्रीटिंग मैसेज प्रोवाइड करते हैं, आपको पता होता है, ठीक है, हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट किसी का इनपुट लेता है, भाई अपना नाम बताओ, अपना आप क्या करते हो बताओ, फिर उसको ग्रीटिंग मैसेज में पास कर देता है, तो सिंपली एक प्रोग्राम है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। अब यहाँ पे मैं प्लस साइन लगाऊंगा और इसके बाद मैं यहाँ पे नेम को लगा दूंगा, जिसका मेरा जो मेरा नेम वाला जो वेरिएबल है उसको यहाँ पे लगा दूँ, मतलब होगा क्या, अभी जैसे ही पॉपअप नीचे गिरेगा, इसके अंदर जब भी हम इनपुट करेंगे कोई नाम, नाम जैसे इनपुट करेंगे उसके बाद क्या होगा कि जैसे यहाँ पे एक कंडीशन उसको चेक करेगी कि अगर जो हमारा नेम है वो नल नहीं होगा, मतलब इनपुट है, वैलिड इनपुट है, तो क्या होगा कि उसको एक अलर्ट नाम के फंक्शन के अंदर, अलर्ट बॉक्स के अंदर वो क्या करेगा, एक हमें ग्रीटिंग मैसेज प्रोवाइड कर, जैसे मैसेज मैं कंट्रोल से सेव करूंगा, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या आ गया, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम के अंदर मैं डालूंगा, चलिए सॉरी, यहाँ पे मैं डालूंगा राजकुमार, राजकुमार, जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, नाइस टू मीट यू राजकुमार, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्पेस देना, मैं ऐसे कैसे कर दूंगा, कंट्रोल से सेव करूंगा और यहाँ पे फिर सॉरी, फिर से मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दूंगा, देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, राज कुमार डाला, कंट्रोल एस सॉरी, ओके कर दिया, देखिए नाइस टू मीट यू राजकुमार, तो हमारा हो गया ग्रीटिंग मैसेज। वो तो आप ये कैसे कर सकते हैं, कोई जावास्क्रिप्ट के अंदर होगा, ऐसा नहीं है कि आप इस बॉक्स को यहाँ ही रख सकते हैं, आप नीचे कहीं पे भी आप दिखा सकते हो, CSS से ऐड कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैंने आपको बताया कि प्रॉम्प्ट फंक्शन कैसे काम करता है, तो सिमिलर ही प्रॉम्प्ट, जैसे प्रॉम्प्ट फंक्शन है वैसे तरह से सिमिलर ही हमें कन्फर्म फंक्शन भी यहाँ पे सीखना है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कंफर्म फंक्शन, तो वो कैसे करते हैं वो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे मैं इसको अभी कमेंट आउट कर देता हूँ, तो कंट्रोल से सेव करूंगा, यहाँ पे तो मेरा सब कुछ चला जाएगा, कंट्रोल से सेव, ओके ओके डन, चल हो गया।
अब हम करेंगे कंफर्म बॉक्स को। तो कंफर्म बॉक्स को करने करने के लिए हमें क्या सिमिलर ही है, इतना ही हमें वेरिएबल पास करना है, फिर इफ को लगाना है। तो उसके बाद हमें क्या करने का, हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको फंक्शन पता नहीं तो आपको फंक्शन देखना है कि फंक्शन कैसे बनाते हैं, उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आई बटन पर भी दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, हम यहाँ पे इस कोड को चलो डिलीट मार देते हैं, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेर एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं, वेरिएबल का नाम मैं क्या डालना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे डालूंगा यूजर करके। चलो यूजर है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं वो हम देखेंगे। और यहाँ पे हम कंफर्म कंफर्म डालेंगे, और इसके अंदर फिर से हम एक इसको मैसेज प्रोवाइड करेंगे। चलिए मैसेज प्रोवाइड करेंगे, मैं यहाँ पे मैसेज क्या प्रोवाइड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि चलो यूजर आपको एक वेबसाइट पसंद आई, तो मैं लिखूंगा डू यू लाइक दिस वेबसाइट, ऐसा कुछ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा चलो मैं इसको सब्सक्राइब ही करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, डू यू सब्सक्राइब सब्सक्राइब टू दिस चैनल, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। ओके, मैंने ऐसा लिख दिया, एक क्वेश्चन मार्क डाल दिया, चला क्लोज कर दिया। अब मैं नीचे क्या करूँगा, मैं एक इफ कंडीशन को प्रोवाइड फॉलो करने वाला हूँ। मैं इसके अंदर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा अगर मेरा जो यूजर है, यूजर वो यूजर है, अगर मेरा यूजर वो क्या करता है कि जो हमारा इनपुट है उसको ट्रू बना देता है, मतलब उसको अगर पसंद है ओके पे क्लिक करता है तो क्या होगा, ट्रू होगा। तो ट्रू होने के बाद वो क्या करने वाला है, तो हमें एक यहाँ पे एक यूआरएल पास करनी है। तो यहाँ पे हमें यूआरएल क्या पास करेंगे, अगर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वाला है तो मैं क्या करूँगा उसके यूआरएल को पास कर दूंगा यहाँ पे। और जैसे ही ओके पे क्लिक करेगा उस कहाँ चला जाएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्ट हो जाएगा हमारी चैनल पे। ठीक है, तो कैसे होता है मैं आपको यहाँ पे दिखाना हूँ, तो देखिए। तो अभी यहाँ पे हमें यूआरएल को पास करने के लिए क्या करना है, तो हमें यहाँ पे सिंपली लिखना windows.open। आपको कोई भी यूआरएल को, कोई भी फंक्शन को ओपन करवाना, मैं इसका वीडियो नहीं बनाया लेकिन हम ये आगे देखने वाले हैं, लेकिन अभी तक के एक जानकारी के लिए, एक इन्फॉर्मेशन के लिए आप देख लीजिए windows.open फंक्शन का आपको यूज करना है। इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के मैं यहाँ पे सिंपली मेरी जो वेबसाइट है, सॉरी मेरी वेबसाइट या मैं रिकॉर्डिंग में इसके जो चैनल है उसकी लिंक मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दी। अब मैं क्या करूँगा, अब ये मैं यहाँ पे एल्स एल्स लगाऊंगा, एल्स कंडीशन। तो अगर मेरा यूजर से उसको कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल करने के बाद मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि यूजर यूजर डोंट इंटरेस्टेड, ऐसा लिख देता हूँ। चलो मैं तो मैं अभी यहाँ पे फिर से windows.alert, इसके अंदर मैं क्या करूँगा यूजर्स डोंट इंटरेस्टेड, ओके स्पेलिंग मिस्टेक हो, आई एम सॉरी, लेकिन जल्दी जल्दी में ऐसा हो चलता है। चलो तो ऐसा तो हो गया, अभी मैं इसको कंट्रोल से सेव करूंगा। तो आप सोचेंगे यहाँ तो कुछ मिला तो नहीं हमें, तो क्यों नहीं मिला भाई, तो एक बात याद रखना, अगर आप कंफर्म बॉक्स का यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा, वन क्लिक का यूज करना पड़ेगा। तो वन क्लिक के मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक इनपुट ले लेता हूँ बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर मैं इनपुट ले लेता हूँ बटन का, बटन का इनपुट ले लेता हूँ, जिसके अंदर मैं डालता हूँ वैल्यू को क्लिक मी, ऐसा डाल देता हूँ। ठीक है, क्लिक मी, चलिए इतना तो हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वन क्लिक नाम का फंक्शन लगाने वाला हूँ। वन क्लिक के अंदर मैं फंक्शन क्या बनाऊंगा, माई फंक्शन, माई, चलो माई बटन लगा देते हैं, माई बटन, ओके इतना तो हो गया, ओके 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 डन। चलो चलो नेक्स्ट नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे एक पूरा का पूरा एक न्यू फंक्शन क्रिएट करना है। तो फंक्शन कैसे बनाएंगे, मैं वीडियो तो मैंने बनाई दी है लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ फंक्शन कैसे बनाते हैं। चलो माई बटन नाम का फंक्शन तो रेडी, इसके अंदर मैं क्या करूँगा एक, तो चलो इन सारे कोड को मैं एक ही ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ। हो गया, अभी कंट्रोल एस में सेव करेंगे, यहाँ पे मेरा क्लिक मी बटन तो मिल गया। अब जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ऑन क्लिक फंक्शन है वो रन होगा, यहाँ से ऑन क्लिक फंक्शन जैसे रन होगा, ये फंक्शन रन होगा, ये फंक्शन रन होगा, तो पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा। जैसे मैं अब क्लिक करूंगा क्लिक मी, यहाँ पे लेकर डू यू सब्सक्राइब दिस चैनल, स्पेलिंग के लिए माफ कर देना दोस्तों, लेकिन डू यू सब्सक्राइब दिस चैनल, तो आप क्या सोचेंगे, हाँ भाई कोडिंग में से बड़ी काम की चैनल है, हमें सब्सक्राइब करना है, तो मैं क्या करूंगा सिंपली ओके करूंगा। जैसे मैं ओके करूंगा, मेरा पॉपअप ब्लॉक है, क्यों ब्लॉक है भैया, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न
ट्रू वैल्यू डाल देता हूँ, ओके रिटर्न ट्रू, और यहाँ पे मैं रिटर्न फॉल्स डाल देता हूँ, मतलब आ गए हो नहीं चलेगा, रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। ओके कंट्रोल से सेव करूंगा, चलिए फिर से मैं क्लिक मी पे ऐड करता, यहाँ पे ओके पे मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, देखिए मेरा जो सीधा मैं जो मेरा डायरेक्ट पेज है उस पे ही क्या करेगा, वेबसाइट डायरेक्ट की वहां पे मुझे ले गई, और यहाँ पे मुझे बोल रही है चलो कर दो सब्सक्राइब, अभी आपको करना है सब्सक्राइब तो। अगर मैं पे क्लिक मी पे करूँ और यहाँ पे अगर मैं कैंसिल डाल दूँ तो क्या आएगा, फिर यूजर डोंट इंटरेस्टेड। ओके तो आपकी वेबसाइट पे वाला आपके यूट्यूब चैनल पे या फिर आपकी वेबसाइट पे यूजर अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो क्या करेगा, वो कैंसिल कर देगा। तो जावास्क्रिप्ट के साथ कॉन्फर्म बॉक्स और प्रॉन्ट बॉक्स बड़ा आसान बन गया है, और यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोनों चीज़, तो ये दोनों चीज़ को मत भूलना, आप दोनों चीज़ का यूज़ कई सारे तरीके से कर सकते हैं और कई सारी जगह पे भी इसका यूज़ आ सकते हैं। तो गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना, और यहाँ पे कई सारे मेरी स्पेलिंग की मिस्टेक है तो उसको माफ करना, सॉरी भैया। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे और भी हम धमाकेदार वीडियो लेके आने वाले, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।